हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। आप लोग एचसीएफ समझ चुके हैं क्या होता है हमारी पहली वीडियो में, एलसीएम समझ चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब रिलेशन समझेंगे। अब मान लो हम किन्हीं भी दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो रिलेशन भी उनका उन्हीं दो नंबरों के साथ ही होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। ये नंबर कौन से हैं जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, ठीक है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू, वो हमेशा किसके इक्वल आता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। उन्हीं नंबरों का जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था उनकी मल्टीप्लाई हमेशा उन्हीं नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर आती है। ये इनके बीच में होता है रिलेशन। अब इसी रिलेशन के बीच में बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इफ HCF of 400 and 1000 is 200, ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, यदि जो HCF है किसका, 400 and 1000 का, is है कितना, 200, 400 and 1000 का HCF कितना है, 200, then find their LCM, तो इनका LCM निकालो, क्लियर है। अब यहां से हमें पता चल रहा है ये तो क्या है फर्स्ट नंबर, ये क्या है सेकंड नंबर, और ये क्या है HCF, तो लिख लो फर्स्ट नंबर इक्वल है 400, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1000। ये चीज ध्यान रखना यहां पे कि क्या फर्स्ट नंबर है, क्या सेकंड नंबर है और क्या एचसीएफ है। एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 200 एलसीएम। एलसीएम तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट ही करना है। सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्मूला था वो लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, क्लियर है। फर्स्ट नंबर के नीचे फर्स्ट नंबर कितना है 400, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के नीचे सेकंड नंबर 1000, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, एंड एलसीएम तो हमें पता ही नहीं, क्लियर है। अब हमें ये देखो, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, इसके साथ ये 200 है, हमें इस 200 को हटाना पड़ेगा तभी एलसीएम फाइंड आउट हो सकता है। अब ये देखो 200 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में ना जब भी हम इक्वल से दूसरी तरफ किसी भी चीज को भेजते हैं तो उसका साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में है कोई नंबर तो डिवाइड में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, क्लियर है। एंड डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे, पहले तो यही लिख दो, और इसके बाय में क्या आ जाएगा, 200 इक्वल इज इक्वल टू किस तरफ, सिर्फ क्या बच जाएगा एलसीएम, क्लियर है। इसको कैंसिल करो, 20 से 20 कैंसिल, 21 जा 2, 22 जा 4, कितना बचा एलसीएम बराबर है कितना, 1000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आया 2000, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 2000। समझ में आया सबको। चलो अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 400 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझना क्या दे रखा है, HCF एंड LCM दो नंबरों का HCF और LCM दे रखा है 40 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो बच्चों, ध्यान से, इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो नाम बोला गया है, ठीक है, और सबसे पहले जो नंबर बोला गया है वो उसी का ही होता है। सबसे पहले HCF बोला गया तो 40 क्या है, एक HCF है, ठीक है। बाद में LCM बोला गया तो 1600 क्या है, एक LCM है, क्लियर है। फाइंड द अदर नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज 200, हमें दूसरा नंबर निकालना है अगर फर्स्ट 100 कितना है 200, क्लियर है। तो लिख दो HCF इज इक्वल टू 40, LCM इज इक्वल टू 1600, क्लियर है। एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 200, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिख लोगे वही, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई
एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्लियर है, जो चीज दे रखी है उसको इसके नीचे ही लिखते जाओ। फर्स्ट नंबर हमें पता है 200, सेकंड नंबर हमें नहीं पता तो सेकंड नंबर ही रहने दो। एचसीएफ हमें पता है 40, एलसीएम हमें पता है 1600। फिर वही चीज आ गई, देखो सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है लेकिन 200 इसके साथ एडिशनल है। अब इस 200 को हटाएंगे, क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 1600 बाय में 200, 20 से 20। क्लियर है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 0 की 0, तो क्या बचा ऊपर, 20 मल्टीप्लाई 16, तो सेकंड नंबर कितना आया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 16 टू जा 32 और 0 की 0, तो सेकंड नंबर कितना आ गया, 320। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।